एप्लीकेशन की बुक है। मैं हेलो बोलने ही भूल गई। हेलो गाइस, तो ये दिशा राजस्थान मतलब दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये। आपने इसके बारे में बहुत सारा सुना होगा। इसके अंदर क्या है ना, पुराने पेपर दे रखे हैं, देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ बी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं राजस्थान सूजस के तथ्यों का अनुपम संकलन, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। तो ये मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, मतलब वही 2021 में। बट हाँ, अभी तक इसको पढ़ने का टाइम मिला नहीं है, बट हाँ मैंने इसको थोड़ा बहुत देखा है, क्योंकि रिव्यू देने से पहले कोई भी बुक को देखना पड़ता है। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर क्या है ना कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। जिस राजस्थान का भूगोल हो गया, तो इसके अंदर ये सब ये वाले टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थान की इकोनॉमी के टॉपिक ये वाले हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वाला टॉपिक है। राजस्थान का इतिहास दे रखा है, राजस्थान की कला दे रखी है। और इसके अलावा इसमें और क्या है देख लेते हैं। तो इसके अलावा इसमें राजस्थान की संस्कृति दे रखी है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दे रखी है। अगर कोई सोच रहा है कि दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लूँ, तो एक बार ये वीडियो जरूर देखना। अगर आपको समझ में आए तो ही लेना। इसमें क्या है ना, जैसे एक कोई क्वेश्चन दे रखा है ना, तो मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर दे दिया कि इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, और आगे वाला पर्सन दे देते हैं ना, आगे क्वेश्चन दे देते हैं। बट इसके अंदर क्या है ना, व्याख्या दे रखी है हर एक सवाल की। तो आसपास जितने भी सवाल बनते हैं ना, उनके बारे में आपका हर तरह का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो थोड़ा अच्छे से राजस्थान जीके करना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, देख लो। अभी तो ये चिपकी हुई भी है, क्योंकि मैंने कहा नहीं, नहीं है, आज ही देखी थी क्योंकि रिव्यू देना था। तो बट हाँ, पढ़नी है, मुझे अच्छी लगी, खरीदी हुई है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इसके अंदर सारे क्वेश्चंस व्याख्या सहित ही दे रखे हैं, है ना। जहाँ व्याख्या देना इन्होंने जरूरी समझा, वहाँ पे इन्होंने व्याख्या दी भी है। और जैसे ये भौगोलिक परिदृश्य से रिलेटेड सवाल है। इसके अलावा मतलब आपको इसमें टॉपिक वाइज सवाल मिल जाएंगे। अगर आप कहीं से थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी वहाँ पे पढ़ सकते हो, और उसके बाद में अब उसका टॉपिक निकाला। अरे वाह, मैंने ये बुक पढ़ रखी है, सॉरी गाइज। वो टिक टिक देखे तो थोड़ी एक्साइटमेंट, अब क्या ही बताओ। तो आपको बस यही बताऊंगी कि हाँ, ये बुक अच्छी है। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है, तो पहले अपनी उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर ये आप अपनी बुक खोलिए। इसके अंदर आप अपने टॉपिक के हिसाब से ढूंढिए कहाँ सवाल मिलेंगे, और सवाल देखिए। मुझे क्या है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी, सच्ची बताऊँ तो राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर लगती है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की जो क्वेश्चन है वो हमें याद भी रहते हैं। इस वजह से मैंने ओनली आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन पढ़ा था। इसके अलावा भूगोल भी अच्छे से मतलब याद रह जाती है, बट इतिहास कभी भी याद नहीं रहता। तो मेरे ही तरफ से ये राय है कि अगर आप राजस्थान जी के पढ़ने बैठो, तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर पढ़ा करो, उसके बाद में भूगोल पढ़ा करो, और उसके बाद में इतिहास पे जाया करो। क्योंकि इतिहास आपका बहुत सारा टाइम कवर कर लेगा, और उसमें से आपको कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो इससे बेटर चीज़ यही होती है कि जो चीज़ आपको याद रहे और इंटरेस्टिंग लगे, वो पहले पढ़ो, उसके बाद में थोड़े बोरिंग पढ़ो, है ना। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है, तो मैं इसको पहले पढ़ती हूँ। आप किसी आप जो चाहो पहले पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। तो हाँ, ये बुक काफ़ी अच्छी है। आपको अगर रिव्यू पसंद आया, तो बुक के मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बस बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो।